लगातार कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बाद अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र में लॉकडाउन और यूपी में कंटेनमेंट जोन नजर आएंगे। कोरोना केस की रेस में तुर्की और ब्राजील से आगे निकलने के बाद महाराष्ट्र के मुखिया उद्धव ठाकरे ने अब कड़ा रुख इख्तियार करने का फैसला किया है, जो रात 8 बजे से पूरे महाराष्ट्र में लागू हो जाएंगे। ब्रेक द चेन अभियान के तहत महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, वहीं दिन में पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान एक जगह पर 5 लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। वहीं गार्डन, पार्क, बीच, सार्वजनिक स्थान भी रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। हालांकि मेडिकल, किराना स्टोर और सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन 30 अप्रैल तक बाकी दुकानें बंद रहने वाली हैं। इसके अलावा बसों, ट्रेनों में खड़े होकर यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा। सैलून, थिएटर, पार्लर, क्लब, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और वाटर पार्क पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। 10वीं और 12वीं के स्कूल खुले रहने वाले हैं। नियमों के साथ फिल्मों की शूटिंग जारी रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे से भी दो कदम आगे निकलते हुए बेहद ही कड़े फैसले लिए हैं। कोरोना का एक मरीज मिलने पर 20 घरों को सील कर उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा मरीज मिलते हैं तो उस इलाके के 60 घरों को सील किया जाएगा और आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और लोगों को 14 दिन तक इन्हीं हालात में रहना पड़ेगा। देश में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वानगी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में साफ दिख रही है। वहीं राजधानी दिल्ली के हालात भी कुछ ज्यादा दुरुस्त नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि योगी उद्धव के बाद क्या केजरीवाल भी सख्त कदम उठाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।